हे एवरी वन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग टुडे, व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। आज पुष्पेंद्र अपने ऑफिस के कुछ वॉलंटियर एक्टिविटी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। लंच उनका बाहर होगा, बाकी बच्चे अभी सो रहे हैं, मम्मी भी अभी सो रही हैं। तो साबूदाना खिचड़ी बनाने का प्लान है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम किया था, हींग और ज़ीरा फ्राई किया, उसके बाद ये ना एलापेनो पेपर्स हैं, ये मैंने थोड़ी सी चॉप करके ऐड की हैं। उसके बाद रफली चॉप्ड आलू जो है वो ऐड किए हैं, कवर करके कुक किया। फिर मैंने साबूदाना ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने शुगर भी ऐड किया था टू बैलेंस द फ्लेवर। इसको कवर कर दिया और फिर पीनट्स ऐड किए हैं, थोड़ा नींबू ऐड किया है और फ्रेश हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, अभी मेरे पास था नहीं। तो दिस वॉज़ द ब्रेकफास्ट, पुष्पेंद्र को पैक करके दे दिया था और मैंने फिर आराम से ब्रेकफास्ट किया। तो टाइमली ही किचन की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, सो दैट मैं आगे का जो अपना काम है वो करूँ। तो अभी लंच में बनाऊंगी कढ़ी। तो मैंने ना यहाँ पर दही सेट करी थी जो कि काफ़ी खट्टी हो गई है, इसकी कढ़ी बनाऊंगी मैं। ऑल्सो ज़्यादा कुछ सब्जियाँ जो हैं वो है नहीं है अभी, तो आज हम लोग ग्रॉसरी के लिए जाएंगे और जब ज़्यादा सब्जियाँ ना हो तो कुछ ऐसा बना दो कि अच्छा भी लगे और जिसमें ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स की ज़रूरत ना हो, तो बस कढ़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आज पुष्पेंद्र तो लंच नहीं करेंगे, वो ना ऑफिस के काम से गए हैं, मॉर्निंग में ही बाहर चले गए थे, अराउंड 7:40 पे निकल गए थे और उनका ब्रेकफास्ट मैंने पैक कर दिया था तो उन्होंने वहीं जाके कर लिया था। आज उनके ऑफिस का कुछ वॉलंटियर एक्टिविटी है जिसमें सारे लोग जा रहे थे, तो पुष्पेंद्र भी गए हैं वहाँ पर और बस मैं, मम्मी और सिया भूमि हैं हम लोग। तो कढ़ी के साथ बना लूँगी थोड़ी सी रोटियाँ और इस तरह से हमारा लंच हो जाएगा। तो कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्याज चॉप कर ली है और ये वाली ना एलापेनो पेपर्स जो हैं वो चॉप करी हैं थोड़ी, और गार्लिक चॉप किया है। तो इस सब चीज़ों से मैं तड़का तैयार करूँगी। और कड़ी में डालने के लिए ना पकौड़े बना सकते हैं, बट मैं मोस्टली आलू वाली कड़ी प्रेफर करती हूँ, उसमें टाइम भी कम लगता है और डीप फ्राई नहीं करना पड़ता। तो बस मस्टर्ड ऑयल गरम करके हींग ऐड की थी, थोड़े मेथी सीड्स ऐड किए थे, अनियन और गार्लिक को फ्राई कर लिया है और इस तरीके से कड़ी का तड़का तैयार किया। फिर आलू ऐड किए थे, बेसिक मसाले ऐड किए हैं, इसको कवर करके कुक कर लूँगी और फिर कड़ी का घोल इसमें रेडी करके ऐड करूँगी। और यहाँ पर कढ़ी रेडी हो गई है सिया भूमि के लिए, मैंने एक ग्लास बोल में निकाल दी है और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल में फिर से मिर्च का तड़का तैयार किया है। यू नो, हम सबको स्पाइसी फूड खाना पसंद है, बच्चे वैसे स्पाइसी खा लेते हैं बट जैसे किसी किसी चीज़ में ना एक्स्ट्रा तड़का देना होता है मिर्च का, तो फिर इसलिए मैंने कढ़ी में थोड़ा सा तड़का लगाया, इससे इसका फ्लेवर और स्पाइसीनेस और भी ज़्यादा बढ़ गई। अपने लिए मैंने थोड़े से यहाँ पर राइस बनाए हैं, बाकी सब लोगों के लिए मैंने रोटियाँ बना दी थी। एंड देन फ्राइडे इवनिंग है, समर का टाइम है, पुष्पेंद्र का मन था बारबेक्यू करने का और पुष्पेंद्र को बारबेक्यू वगैरह काफ़ी अच्छे से करना आता है, तो मैंने यहाँ पर बना दी है चटनी। मीनवाइल पुष्पेंद्र ने ना सारा मैरिनेट जो किया था वो, और पनीर और उसमें कैप्सिकम वगैरह वो सब। उसके बाद फिर अब बीच में ब्रेक लेके हम लोग जल्दी से चले गए ग्रॉसरी लेने के लिए, कुछ मैं सब्जियां वगैरह लेने चली गई थी। अच्छा, पिछले एक दो बार से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर अमूल का जो दूध है वो मिलने लग गया है पटेल में, डू लेट मी नो अगर आपने ट्राई किया है तो। और घर आ गई हूँ मैं वापस, यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह सब निकाल ली हैं, वही रैंडम सी चीज़ें लेकर आई हूँ, कुछ करी लीव्स हैं और जो भी सब्जियाँ मुझे ठीक ठाक लगी, फ्रेश लगी, वो मैंने उठा ली हैं, बाकी पास में ही पटेल ब्रदर्स, फिर से कभी जाके ला सकते हैं। तो ये रैंडम सी ग्रॉसरी है और ये गोंगरा रेड चिली पिकल पुष्पेंद्र को काफ़ी पसंद था, पहले हम बहुत लाते थे, अब काफ़ी दिनों बाद लाए हैं। उसके बाद फिर फटाफट से बारबेक्यू तैयारी जो है स्टार्ट हो गई, आज का डिनर जो है यही बारबेक्यू वाली सारी चीज़ें होंगी।
तो मैरिनेट करके ना फ्रिज में रखा था, उसको हमने स्टिक्स में लगा के और उसको फिर चारकोल जो ग्रिल है बाहर लगी हुई है सोसाइटी की कॉमन वाली, तो वहाँ पे उसको अच्छे से सेका और मम्मी को बहुत मज़ा आया ये सब देखने में और यू नो खाने में। ज़्यादा उनसे खाया तो नहीं जाता है बट ओवरऑल टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था और सिया का मन था ये मार्शमेलोज करने का, तो यहाँ पर फिर हमने उसके लिए एक दो बार ये मार्शमेलोज जो है रेडी कर दिए थे। बस इसको बहुत हल्का सा सेकना होता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। एंड देन फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम निकाल के नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर करी थी थोड़ी डीक्लटर। बच्चों का जो स्कूल ईयर है वो ख़त्म हो चुका है, सो इट्स अ टाइम कि जो मैं कुछ चीज़ें हैं मेमोरीज के लिए रखूँ और बाकी सब हटा ही दूँ। तो सुबह जगने के बाद मैंने थोड़ा डीक्लटर किया और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। सैटरडे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, पुष्पेंद्र बना रहे हैं आज सैंडविचेस। तो बारबेक्यू करने के बाद ना काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो बच गया था क्योंकि हमने काफ़ी मैरिनेट किया था, और ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगा के उसको जो पनीर टिक्का था ना उसको फाइन चॉप कर लिया है सब्जियों के साथ और इसको हमने ग्रिल कर दिया। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आया और बच्चों को भी थोड़ा बहुत ये पसंद आया। उसके बाद फिर लंच के लिए अगेन मैं लेफ्ट ओवर का मेक ओवर कर रही हूँ। बारबेक्यू करने के बाद ये जो जिस बोल में हमने किया था ना बेस में काफ़ी सारा मसाला और मिक्सचर ग्रेवी सब बच गया था। ये दही का मिक्सचर है, इसमें तंदूरी मसाला, नींबू है, बहुत सारे मसाले, मतलब ओवरऑल मिक्स ऑफ सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पैन में घी लेके और अनियन और गार्लिक का तड़का लगा के इसी में सब्ज़ी बना देती हूँ और बाकी कोई और मसाले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी मिक्सचर था मसालों का, तो वाई टू वेस्ट इस। इसमें दही वगैरह भी एडेड है तो मैंने सीधे इसको तड़के में ऐड कर दिया है और कुछ भी मसाले ऐड नहीं किए हैं मैंने। सिंपल तड़का जो है इसको सिमर किया, अच्छे से पकाया और उसके बाद मैंने पालक ब्लांच करके प्यूरी बनाया और हमारे फैमिली की वन ऑफ द फेवरेट सब्ज़ी पालक पनीर जो है वो फटाफट से बना दी। बच्चों को ये पसंद आती है। बस इसमें एक उबाल आने के बाद मैंने इसमें पनीर क्यूब्स ऐड कर दिए थे और इस तरीके से काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बन गई थी। इसमें मुझे टमाटर वगैरह किसी भी चीज़ की ग्रेवी की ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। संडे नाइट आ गई है फ्रेंड्स, फिर मैंने ज़्यादा संडे को मॉर्निंग आवर्स में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। संडे नाइट को हम लोग आइसक्रीम आउटिंग के लिए चले गए थे। सिया इज़ इंजॉइंग हर समर वेकेशन और एक एक दिन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आज उसका आइसक्रीम खाने का मन था तो हम चले गए थे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो आज है मंडे मॉर्निंग और आज मेरा एक वीडियो भी आना चाहिए था लेकिन मैं वीकेंड थोड़ा ऑक्यूपाइड था तो इस वजह से फिर पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ वीडियो। कुछ कुछ रिकॉर्ड किया था बट 10 मिनट्स एटलीस्ट तो होना चाहिए, उससे क्या कम मैं डालूंगी। अभी मैं वॉक करने के लिए निकली हूँ, सब लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह करा कर आई हूँ। अराउंड अभी 9:30-10 बजे होंगे। आज की मॉर्निंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, सुबह 8 बजे मैं जगी हूँ, रात को एक मूवी देख रही थी। तो समर वेकेशन अभी तो बहुत इजी मोड में जा रही है तो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपना रूटीन फॉलो करूँ क्योंकि लेट मॉर्निंग स्टार्ट होती है। काफ़ी तेज़ वॉक कर रही थी, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, सोचा वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो ब्रिस्क वॉक कर रही थी पूरी सोसाइटी में, कम से कम 1 या 2 राउंड, तो एटलीस्ट 1-2 माइल की वॉक तो हो ही जाती है। और घर जाके बनाऊंगी लंच, बच्चे थोड़ी देर टीवी देख रहे थे, मैंने सोचा कि चलो मौसम अच्छा हो रखा है तो बाहर वॉक कराती हूँ। और आज थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था सुबह सुबह तो मैं हुडी निकाल के पहन के आई। यू नो शिकागो का वेदर ऐसा है कि आप समर हो चाहे कोई भी मौसम हो, आप अपनी कुछ हुडी या फिर कुछ स्वेट शर्ट या कुछ थोड़े बहुत गर्म कपड़े आपको हमेशा रखने होते हैं, ना जाने कब ठंडा हो जाता है। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ गर्म कपड़े रखते हैं। मैंने सारे कपड़े पैक नहीं किए थे बट हाँ जो हैवी जैकेट्स वगैरह होती है ना वो सब पैक कर दी थी। चलिए मैं तेज़ थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं घर वापस आ गई हूँ फ्रेंड्स, और कल मैंने दही सेट करने के लिए रखी थी, मौसम ठंडा था ना तो मैंने कैसरोल में दही सेट की थी, काफ़ी थिक और अच्छी सेट हुई है। और चलिए अभी मैं लंच बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ना व्हीट फ्लार लिया अराउंड 3 कप और मेरे पास एक बोल भर के मूंग दाल बची है, तो मूंग दाल पराठे बनाऊंगी। व्हीट फ्लार में हरा धनिया, फाइन चॉप हरी मिर्च डाली है, नींबू डाला है, हींग पाउडर, सॉल्ट डाला है, थोड़ी कसूरी मेथी और बाकी और कुछ मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ना दाल में मसाले वगैरह एडेड है
तो मैंने एक बोल भर के मूंग दाल इसमें मिक्स कर दी है। बहुत ही कम पानी लगा इसमें, बस आई थिंक 1-2 चम्मच पानी डाला होगा, और इसका अच्छा सा मैंने डो मार दिया है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल दे के लास्ट में थोड़ी एक बार और मार देंगे तो डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और बस इसको कवर करके 10-15 मिनट्स रखेंगे, उसके बाद रोटी या पराठे जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो लंच के लिए मैंने डो रेडी कर दिया है। और आज ना मेरा और पुष्पेंद्र का कुछ डिफरेंट खाने का मन हो रहा था, तो यहाँ पर ग्रीन जो अनियंस है ना उसको मैं चॉप कर लेती हूँ, और उसके बाद मैंने कैबेज चॉप करी है, और ये सारी सब्जियाँ जो है चॉप कर ली है रफली। तो मेरा मन हो रहा था कि मैं स्टिकी वाले जो फ्राइड राइस होते हैं वो बनाऊं, तो ये स्टिकी वाइट राइस हैं, इसको मैं प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी। ऑन द अदर हैंड एक कढ़ाई में थोड़ा ऑयल गरम करूँगी। स्प्रिंग रोल्स भी रखे हुए हैं फ्रोज़न वाले, तो वो निकाल लेती हूँ। सो मेरा और पुष्पेंद्र का लंच हो गया, इट वाज गुड। और मम्मी और बच्चों के लिए मैंने मूंग दाल के जो पराठे हैं वो बनाए थे, साथ में होममेड फ्रेश दही थी, तो सबको अच्छा लगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लंच रूटीन। सो अभी शाम का टाइम हो गया है, और समर के टाइम में ना शाम को कहीं इधर उधर निकल जाओ तो अच्छा ही लगता है। तो हम लोग कुछ काम से बाहर गए थे, मीनवाइल हमने सोचा एक फ्रेंड से मिलाते हैं, और बच्चों का स्कूल भी नहीं होता है ना तो लौटने का भी टेंशन नहीं रहता कि अरे लेट होगा, सुबह टाइम से उठना है, स्कूल है, इस चक्कर में। तो हम लोग चले आए, और यहाँ पर फिर डिनर का टाइम भी हो गया था। वैसे मैं डिनर की तैयारी करके आई थी घर पे, बट फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया तो हमारा डिनर फिर यहीं पे हो गया था। फिर घर आई हूँ, जो भी मैंने कुछ बनाया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। ऑल्सो थोड़ी मील प्रेप के लिए मैंने ये येलो वाले जो मटर होते हैं ड्राई वाले, ये सोक कर दिए हैं, काफ़ी दिनों से मैंने ये बनाए नहीं थे तो सोचा चलो इसको कर देती हूँ। इसी के साथ ये समर डेज़ जो है इसका व्लॉग मैं एंड करती हूँ, और रात का टाइम हो गया है, अराउंड 10:30 हो गए होंगे अभी। और इसी के साथ बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, और आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।